जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि अगर आपको अपने भविष्य की चिंताएं हैं, अपने नौकरी, व्यापार, विवाह, कोई विवाद केस, कोर्ट केस या कुछ भी चीज़ जो भविष्य में आपके साथ लव लाइफ हो गई की चिंता है अगर मन में आपको थोड़ी भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की एक एक बातें आपको सही दिशा बता सकती है और सही चीज़ें आपके साथ कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, जानकारी को बहुत अच्छे से समझें, तो आपका बहुत ज़्यादा सही तरीके से फ़ायदा हो सकता है। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, छोटा सा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सकारात्मक बातों मिलती रहें। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे। लाइक करने के साथ साथ ही आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देखिए ऊपर नंबर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बात करें अगर कोई तकलीफ़ परेशानी हो तो। सबसे पहली बात कि भविष्य में हमें कई सारी चिंताएं सताती रहती है। कई बार बेटी का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादियाँ, और हमारी शादी हो गई या एक रोज़गार सही से चलेगा नहीं, व्यापार बंद है, नौकरी का क्या होगा, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी भी है तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो कई सारी चिंताएं जो हमारे आने वाले कल के लिए हमारा आज इंतज़ार, कल इंतज़ार कर रही है, तो क्या हम उन चीज़ों से बच सकते हैं और उन चीज़ों को कैसे हम अपने जीवन में डील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली और मुख्य बात कि जब भी भविष्य की चिंताएँ जितनी भी होती है उसमें एक बहुत बड़ी बात जो उभर कर मेरे अनुभव से बाहर आई है उसमें है धन का अभाव, आर्थिक रूप से चीज़ों का सही नहीं होना। तो आर्थिक रूप से चीज़ें जब तक डिस्टर्ब होगी, और वो इसलिए डिस्टर्ब होती कि हमारा अनायास ही चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना, हमारा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना। भविष्य की चिंताओं में अगर आप नहीं डूबना चाहते तो आज आप धन सुरक्षित करना शुरू कर दें, सेव मनी करना शुरू कर दें, कोई भी नशा या कोई भी व्यसन जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी इन दो चीज़ों को लेकर जीवन में होती है, इससे बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम उसे नोट नहीं करते लेकिन इस वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। रही बात अब भविष्य में होने वाली जो चीज़ें, जो जीवन में प्रक्रिया है, जो होती प्रक्रिया जो चलती रहती है, तो आप हमेशा अपने ईश्वर, अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट देव का जप, मंत्र जप करते रहें। क्योंकि गुरु और इष्ट की आराधना करने से हमारे कुल जो है वो वृद्धि होती है, कुल में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। अप एंड डाउन तो सबके जीवन में होना जरूरी है, उससे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, लेकिन अपने कुल देवता, अपने गुरु और अपने इष्ट देव, इनकी आराधना आप कंटिन्यू करते रहें। इन्हें ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में एक बार पूज रहे हैं, तो रेगुलर रोज इनका नाम स्मरण जप करते रहें, ये सबसे ज़्यादा सकारात्मक है, सबसे ज़्यादा आपको भविष्य की चिंताओं से उभार कर बाहर लाएगा। अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय महाकाल।